बनानी होती है, और मेरे पास ऐसा ऑप्शन भी नहीं है, मेरा कोई एडिशन नहीं किया था इस टाइम पे भी, मतलब मेरा ढीला ही पहनी। आज मैं वेयर करने वाली हूँ, ये रहा मेरा सूट, मेरा रेडी हो चुका है, चलिए फटाफट से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लवली की दुनिया ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट मैं कर रही हूँ, आज है, सबसे पहले मैं सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, आज है 12 रबी अव्वल, और ये दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दिन ही हम सर जमीन पे आए थे, और इसी दिन पर्दा पोस भी हो गए थे। तो इस दिन को हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, जैसा अनम हमारा खुद का जन्मदिन होता है वैसे ही हम इनका जन्मदिन भी मनाते हैं। एंड आज पूरा जो ब्लॉग है वो उन्हीं जो मैंने क्या क्या किया, मैंने कैसे क्या क्या बनाया है और क्या कैसे फातिया कराया, एंड या देखिए आज क्या कर रहा है, तो आज का ब्लॉग उसी पे होने वाला है। सो कीप वॉचिंग, और आप भी बनाते हैं, फातिया कराते हैं, क्या क्या करते हैं घर पे, वो चीज़ें हमारे साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। इससे क्या होता है ना कि लोगों में जागरूक होते हैं, लोग जानते हैं कि ये चीज़ें भी होती हैं, और ये सारी चीज़ें में कितना, मतलब हमारे हम लोग ईद जैसे सेलिब्रेट करते हैं ना, वैसे इसे भी सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हमारा जो कहते हैं ना, हमें बहुत चीज़ों की नॉलेज मिली है और उनकी वजह से ही हम आज हैं। सो ये रहा मेरा फुल लुक, आपको कैसी लग रही हूँ कमेंट में बता दीजिएगा। लो अर्शु पकड़ो तो फुल लुक दिखा देती हूँ ब्लॉगिंग में, तो अर्शु मेरा मोबाइल पकड़ा हुआ है, और ये रहा मेरा फुल ड्रेस जो मेरे हस्बैंड लाए थे, एंड ये पूरा अभी भी मैंने ऑल्टरेशन नहीं किया था इस टाइम पर भी, मतलब मेरा ढीला ही पहनी हूँ क्योंकि जो पाकिस्तानी सूट होता है थोड़ा ढीला ही अच्छा लगता है। सो चलिए फटाफट से आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। रेडी लाए हैं उसके लिए छोटा सा कुर्ता, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो अर्ज ये पहनने वाला है कुर्ता, फटाफट से मेरा ये फेवरेट कलर है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। अर्ज नहा करके आ गया है, अब इसे फटाफट से मैं जा रही हूँ ये ड्रेस बनाने के लिए, और पहनाने के बाद दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है, आप लोग भी बताइएगा कि ये ड्रेस अर्ज पे कैसा लग रहा है। और करीब आ जाओ, अर्ज हो गया रेडी, कॉम्ब नहीं किए थे क्या अर्शो? मेरा हेयर पूरा खराब हो गया, वो लाया मैं इसीलिए इधर उधर। तो आयशु का ड्रेस कैसा लग रहा है, और आज क्या है, मिलादुन नबी है ना आयशु? तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पुलाव, और मेरा फातिया का जो जर्दा है वो कंप्लीट हो चुका है, बस मुझे पुलाव बनाना है, एंड इसके बाद मैं फटाफट से फातिहा करा दूंगी। वहाँ रहा देसी चिकन पुलाव और जर्दा जो मैंने बनाया है उसी का फातिहा कराऊंगी, और ये रहा जर्दा। तो मेरा सारा चीज़ हो चुका है कम्प्लीट, और बारी है मुझे रेडी होने की। तो मैं न्यू ड्रेस इसलिए नहीं पहन के बना रही हूँ क्योंकि मेरा ड्रेस खराब हो जाएगा। सो चलिए ड्रेस फटाफट से पहन के आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरा प्यारा सा ड्रेस जो आज मैं वेयर करने वाली हूँ, ये रहा मेरा सूट, एंड फाइनली अभी मुझे किचन से फुर्सत हुई है तो मैं चली अभी फटाफट से ड्रेस चेंज करूंगी, एंड ये रहा मेरा दुपट्टा। चलिए फटाफट से मैं चेंज करती हूँ, ये तीनों चीजें पहना के आप लोगों को दिखाती हूँ सामने से। सो गाइज, मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। एक सेकेंड, तो गाइस मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, और आप देख सकते हैं मेरा ये कुछ इस तरीके का लुक आया। एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको अच्छे से मोबाइल रख के दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा मोबाइल, मैंने स्टेप रखा, मुझे डर लगता है मेरा मोबाइल गिर ना जाए, एंड ये रहा मेरा पूरा लुक। सो यहाँ से भी दिखाऊंगी और बाहर जाके भी दिखाऊंगी, तो मैं कैसी लग रही हूँ जरूर बताएगा। ये मेरा थोड़ा टाइट मुझे लग रहा हो गया है, थोड़ा सा ढीला करती हूँ क्योंकि मैंने पर्ल इयर रिंग्स पहने थे ना, तो मुझे मन कर रहा था कि मैं कुछ नेक में भी आज वियर करूं तो मैंने ये जो हेयर स्टाइल है ना, मैंने हानिया से बनाना सीखा है। आप सब जानते हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, और बहुत कोई मुझसे बोलते ना कि तुमसे थोड़ा मोड़ा मिलती है, मुझे तो नहीं लगता बट हो सकता है मिलती होगी। तो मैं कुछ इस तरीके से पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ, और ये मेरा ड्रेस मेरे हस्बैंड कल रात में लाए हैं, और मतलब जो कहते हैं ना एकदम ही ठीक हुआ है, हल्का ढीला है। तो मतलब आजकल तो देखते ना पाकिस्तानी ड्रेस जो है ना वो थोड़ा सा लूज ही अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग नहीं है। वो दो ड्रेस लाए थे एंड मुझे पसंद आया ये प्यारा सा ड्रेस, एंड मैं रेडी हूँ। आपको कैसी लग रही हूँ कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा,
एंड अभी मैं जाऊंगी थोड़ा सामने शिरनी विरनी देने के लिए। बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। आज मैंने खुद से वादा भी किया है क्योंकि आज सर जो उसको पढ़ाते हैं हाफिज जी, वो आए नहीं और उन्होंने कहा अगर आप जानती हैं तो आप कर सकती हैं, तो मैंने खुद से फातिया किया। मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ गाइस, मैंने खुद से फातिया किया है। सो अगेन मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे लगी है काफी तेज बहुत ज्यादा तेज भूख। एंड मैं सुबह से बता रही हूँ ना, मैं खुदने कुछ नहीं खाया, मैं नहाई हूँ और बस मैं किचन में सारा काम करने में लगी थी क्योंकि फातिहा में बहुत सारी चीजें बनानी होती है और मेरे पास ऐसा ऑप्शन भी नहीं है मेरा कोई हेल्प कर दे, मैं खुद अकेले करती हूँ। हाँ, काम वाली आती है लेकिन आज उसने भी मुझे धोखा दे दिया था, तो सारा चीज मुझे खुद ही करना था। तो फटाफट से मॉर्निंग में उठी हूँ, सारी चीजें खुद से की हूँ। यहाँ पे चिकन मैंने देसी चिकन बनाया है, यहाँ पुलाव है एंड अभी जा रही हूँ डिनर करने। फातिहा भी मैंने खुद से कर लिया है एंड बहुत भूख लगी है, तो चलिए डिनर निकाल लेते हैं फटाफट से। मोबाइल रखना ना बहुत टफ सिर्फ टफ है, तो थोड़ा सा मैं पुलाव ले रही हूँ गरम और साथ में लेने वाली हूँ देसी चिकन जो मेरा फेवरेट है। मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे बहुत खराब लग रहा है क्योंकि वो रहते तो मतलब साथ में खाने का मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा को लेकर के भी बहुत ज्यादा भीड़ हो रहा है तो उनका रहना अभी तो पॉसिबल नहीं है, मगर रात तक आएंगे तो इंशाल्लाह उनके साथ जरूर बैठ के खाऊंगी क्योंकि जो चीजें उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आती है ना, मुझे लगता है कि नहीं हो मतलब अब इतना मेहनत से मैं बनाती हूँ, मुझे लगता है कि उन्हें खाना चाहिए और रात में खा लूंगी, कोई बात नहीं। मेरा तोता देखो कितना चिल्ला रहा, उसे ऑलरेडी पता है जब भी खाना बनता सबसे पहले मैं उसे ही देती हूँ क्योंकि वो इतना चिल्ला के मेरा कान ये कर देता है। एंड लास्ट में मैं जर्दा खाऊंगी, तो ये रहा मेरा प्लेट जो मेरा रेडी हो चुका है। चलिए फटाफट से खा लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलते हैं।